गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड टू, कैसे हैं आप लोग? पार्ट तीन तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप सभी पार्ट तीन तक अपने कॉपी में सही प्रश्नोत्तर को पूरा कर लिए होंगे और साथ ही साथ उसे याद भी करना है, लर्न भी करना है, तो साथ में आप सभी पार्ट एक एक करके याद भी करेंगे। आज मैं आप लोगों को पार्ट चार सूरज और मुर्गा पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। पाठ चार का विषय क्या है? सूरज और मुर्गा। सबसे पहले आप सब ये जानिए कि सूरज किस दिशा से उदय होता है, मतलब सूर्योदय किस दिशा से होता है। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, ठीक है ना। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो सूरज और मुर्गा कविता हम पढ़ेंगे। कविता के बोल कुछ इस प्रकार से है। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता, जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। कभी इस कविता के कवि हैं श्री प्रसाद। कभी कहते हैं इस कविता में कभी कहते हैं कि हमने कई बार देखा है, कई बार मतलब अनेकों बार देखा है कि मुर्गा जब सुबह सुबह बोलता है, बांग लगाता है, तब पूरब में सूरज धीरे धीरे निकलता है। पूर्व दिशा में सूरज धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। कभी क्या कहता है कि मुर्गा के बांग लगाने पर सूरज धीरे धीरे निकलता है, ठीक है, निकलना शुरू करता है। इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बांग लगाकर रोज सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं। इस बात पर मुर्गा यह सोचने लगा कि जब मेरे कारण ही सूरज निकलता है, अगर मैं सुबह सुबह बांग नहीं लगाऊं, अपना कुकड़ू कू का राग नहीं अलापूं, तो सूरज पूर्व दिशा में नहीं निकलेगा। इस बात को मुर्गा कौन सोचने लगा? मुर्गा सोचने लगा कि मेरे बांग लगाने के कारण ही सूरज पूर्व दिशा में निकलता है और फिर अपने प्रकाश से इस धरती को प्रकाशित करता है। वो सूरज कब चमकता है? मेरे मुर्गा के बांग लगाने के कारण। ये कौन सोच रहा था? मुर्गा सोच रहा था, ठीक है ना। ये मुर्गे का भ्रम था। अगर मुर्गा बांग नहीं भी लगाए, मुर्गा नहीं भी बोले, मुर्गे की कुकड़ुकू नहीं भी ना भी बोले, मुर्गा कुकड़ुकू ना भी बोले, तो भी सूरज अपने समय से नित्य पूर्व दिशा में निकलेगा, सूर्योदय होगा ही। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर कर क्यों कर, ठीक है ना। तड़के का मतलब होता है सुबह। तड़के तड़के का मतलब क्या होता है? सुबह। इस बात को सोचते हुए मुर्गा सोचने लगा और कहने लगा कि और बात फिर सोची उसने। मुर्गा सोचने लगा, कल मैं जी भर कर सोऊंगा, मतलब खूब सोऊंगा, खूब देर तक सोऊंगा, और सुबह सुबह बांग नहीं दूंगा, मतलब सुबह सुबह मैं नहीं बोलूंगा, फिर सूरज नहीं निकलेगा, सूरज समय पर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मुर्गे का भ्रम था। मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय। अगले दिन जिस दिन मुर्गा सोचकर सोया था कि आज मैं काफ़ी देर तक सोऊंगा, काफ़ी लंबे समय तक सोऊंगा, मेरे सोने के कारण सूरज भी नहीं निकल पाएगा, क्या होता है कि मुर्गा लंबे समय तक सोया रहता है, काफ़ी देर तक सोया रहता है, और सूरज ठीक समय पर आकाश में चमकने लगता है, मतलब पूर्व दिशा में सूरज निकल जाता है, ठीक है ना। रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। सूरज के निकलते ही रंग बिरंगे फूल खिल गए, जो फूलों की कलियां थी वो सूरज के किरण के पड़ते ही रंग बिरंगे फूल खिल गए, मतलब सभी पौधों की जो कलियां थी वो खिल गईं, और गूंज उठी चिड़ियों की लय। चिड़िया अपने मधुर स्वर में गीत गाने लगी, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि इस कविता में कवि हमें बतलाना चाहते हैं कि हमें अपने सभी काम नियत समय पर, सही समय पर पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार सूरज अपने नियत समय पर आकर अपने प्रकाश से पूरी धरती को उजाला प्रदान करता है,
पूरी धरती को चमकाता है, उसी तरह हमें अच्छे कार्य करके पूरे संसार में अपने देश के नाम को रोशन करना है, कभी हमें बतलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह मुर्गे को भ्रम था कि अगर वो नहीं उठेगा तो सूरज सुबह सुबह नहीं निकलेगा, तो सूरज के निकलते ही उसका भ्रम भी दूर हो गया है, ठीक है। तो इस कविता को सबसे पहले आप सस्वर पढ़ेंगे, मतलब लय के साथ पढ़ेंगे, और फिर इसे इस कविता को समझकर इसके प्रश्न उत्तर मैं भेजूंगी, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सूरज किस दिशा में निकलता है। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, ठीक है ना। सूरज किस दिशा से निकलता है, तो सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। और जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप उसे पूरा करेंगे, और मैं सारे प्रश्न उत्तर भी आपको भेजूंगी, अच्छी राइटिंग में उसे कॉपी में पूरा करेंगे। और फिर ये जानिए कि सूरज के निकलने से, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर बिखरती है, उसी तरह फूलों की जो कलियां हैं वो खिल जाते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, जो जितने भी पक्षी हैं वो मीठे स्वर में कलरव करने लगते हैं, मीठे स्वर में बोलने लगते हैं, मतलब सूरज के निकलते ही नया सुबह होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाता है, और चारों तरफ सभी लोग सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ठीक है ना। ये सूरज के निकलने पर परिवर्तन होता है। तो आप इसे पूरा करेंगे, और हमें भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। और सुबह उठकर आप ये भी कोशिश करेंगे कि मुर्गे की जो आवाज़ होती है, मुर्गे की जो बांग होती है, उसे भी आप सुनेंगे कि मुर्गा सुबह में कैसे कैसे बोलता है। और सुबह उठने से क्या होता है, हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन काफ़ी प्रसन्न रहता है, सभी कामों में हमारा मन लगता है, हमारे सारे काम समय पर हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी काम में अफरा तफरी नहीं होती है, हमारा मन काफ़ी खुश रहता है, ठीक है ना। इस थैंक यू क्लास।